सबसे पहले 2 की पावर एक्स एज इट इज, इधर दोनों पावर्स को अलग अलग करके लिख लिया, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब इधर इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए कहां ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और ऊपर 2 की पावर 6 का मतलब है 2 को 6 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये 64 बनेगा। तो ऊपर ये वैल्यू बन गई 64 और नीचे 2 की पावर पॉजिटिव एक्स हो गई, -20 इक्वल्स टू 0। अब ये सेम आ गया, इसको आपने नाम दिया इक्वेशन ए का, और यहां आपने 2 की पावर एक्स को एज यूजुअल एम कंसीडर कर लिया और इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया, और यू इक्वेशन ए की नई शक्ल क्या आ चुकी है, एम, और यहां पर 64 डिवाइड बाय एम, और यहां पर -20 इक्वल टू 0 एज इट इज। अब हम इस डिनोमिनेटर से जान छुड़ाना चाहते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं और कोई शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक, जिस डिनोमिनेटर से जान छुड़ाने, अगर एक ही डिनोमिनेटर है तो उससे जान छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उस डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, क्योंकि हमें एनी टाइम अलाउ है, आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो हम यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एम से, मल्टीप्लाई बाय एम, तो पूरी इक्वेशन की एक एक टर्म एम से मल्टीप्लाई होगी, तो एम इन टू एम एम स्क्वायर, यहां जब 64 ओवर एम एम से मल्टीप्लाई होगा तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ 64 रह जाएगा, 20 जब एम से मल्टीप्लाई होगा तो 20m हो जाएगा, 0 जब एम से मल्टीप्लाई होगा 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 ही रहता है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एम, एम ऐसी टर्म जिसमें एम की पावर सबसे बड़ी वो सबसे पहले, उसके बाद पावर 1 और फिर पावर 0 यानी कि एम के बगैर वाली टर्म, तो क्या बना, एम स्क्वायर -20m प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहां पर भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि यहां पर भी अगर आप चाहें तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को सोच सकते हैं लगाने का, मगर वही बात है, अगर मिडिल टर्म बराबर नहीं आई तो हमारे आइडिया क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, हालांकि इसमें फ्लॉप होने जा रहा है, मगर मैं आपको ऐसे ट्राई करके दिखा रहा हूं कि अगर हम करते तो यही करते ना, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या लिखते हैं एम, इधर 64 की जगह क्या लिखते हैं 8, फिर इधर एम उठा के यहां लिख देते, इधर से 8 उठा के यहां लिख देते, और जब मिडिल टर्म को कंपेयर करते तो पता चलता कि 16m है, मिडिल टर्म बराबर नहीं आ सकी, अगर यहां 16m लिखा हुआ तो मजा आ जाता, फिर तो हम इसको बंद करते, इसको मानते हैं -8 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करते और एम की वैल्यू क्या आ जाती, 8 आ जाती, दैट्स ऑल, जैसे पिछला सवाल किया, मगर यहां मिडिल टर्म बराबर ना आने की वजह से इसको करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में से कर लीजिए या मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से कर लीजिए, तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड शॉर्ट पड़ता है, तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में सबसे पहले 164 से 64 हमें तो ऐसे नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 64 आए, एंड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म, इट डजंट मैटर कि मिडिल टर्म का क्या साइन है, मिडिल टर्म को तोड़ने के लिए पॉलिसी लास्ट टर्म देता है, हालांकि तोड़ेंगे मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड है, मिडिल टर्म को तोड़ने वाला मेथड, तो यहां पर पॉलिसी लास्ट टर्म की चलेगी, तो हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 64 आए, एंड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म प्लस हो तो क्या आए, मिडिल टर्म का 20 आए। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बहुत आसानी से दोनों ब्रेकर्स ला सकते हैं अगर आपको गिनती आती है तो, 64 डिवाइड बाय 1 64 प्लस 1 65 हमें चाहिए 20। आगे बढ़ते हैं, 64 डिवाइड बाय 2 32 प्लस 2 34 हमें 20 चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 64 डिवाइड बाय 3 पॉइंट में आएगा बेकार है, 64 डिवाइड बाय 4 16 प्लस 4 आ गया 20, 16 और 4 वो दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो तो 64 आता है और दोनों को ऐड किया जाए तो 20 आता है। यू अब हम 20 को तोड़ देंगे दो टुकड़ों में, एक है 16m एक है 4m और आगे प्लस 64 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अब बहुत ध्यान से हम साइन लगाएंगे, आप जानते हैं जब हम प्लस के प्लान पे चलते हैं तो दोनों ही टुकड़ों के साथ सेम साइन आता है, और बहुत ध्यान से वही साइन लगाएं जो मिडिल टर्म में है, मिडिल टर्म अपना साइन दोनों को दे देगा, मिडिल टर्म में क्या है माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आ गया ठीक, लेकिन साइन लगाने के बाद जरूर एक बार आप चेक करें कि अगर इन दोनों टुकड़ों को वापस जोड़ा जाए तो क्या यह -20 बनेगा। ये मैं क्यों आपको चेक करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि बाज़ूकात बेध्यानी में लोगों के दिमाग में चिपक गई ये बात कि प्लस का प्लान है और वो जल्दी में है, जल्दबाजी में उन्होंने क्या किया दोनों के साथ प्लस लगा दिया,
मगर एक आदत बनी हुई थी कि जब आप किसी चीज के दो टुकड़े करें उनको वापस जोड़ कर देखें कि वापस ओरिजिनल चीज बन रही है या नहीं, या कोई जाली माल बन गया है। तो अगर कोई गलती से प्लस लगा देगा तो जब उसे जोड़ेगा तो उसको फौरन दिख जाएगा कि प्लस 6 प्लस 4 जोड़कर प्लस 20 बनता है, जबकि थोड़ा तो माइनस 20 को था, इनको जोड़कर तो प्लस 20 बन रहा है। यू आर फौरन, जब आपके पास ये आदत होगी तो बेध्यानी में गलत साइन लग जाने को आप फौरन पकड़ लेंगे और फौरन से आप समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है प्लस में साइन तो सेम आता है मगर जिस मिडिल टर्म को हमने तोड़ा वो नेगेटिव थी, इसलिए दोनों के साथ सेम साइन माइनस का आएगा। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो माइनस 16 और माइनस 4 क्या बनेगा, माइनस 20 बनेगा। अब दो दो टर्म्स करेंगे, कॉमन लेते हैं, यहां से m कॉमन, m स्क्वायर में से 1m बाहर 1m अंदर, 16m में से m बाहर 16 रह गया, माइनस साइन। यहां पर आप देख सकते हैं 4 और 64 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 बाहर है, m रह गया, ये वाला साइन जो कॉमन लेते हैं उसके साइन से हमेशा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं प्लस माइनस माइनस, 4 16 जा 64 और आगे इक्वल टू 0 एज इट इज। अभी दो टर्म्स हैं, एक m इनटू ब्रैकेट और एक 4 इनटू ब्रैकेट, और इन दोनों टर्म में ब्रैकेट कॉमन है। अब ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो m माइनस 16 कॉमन आ गया, फर्स्ट टर्म में से ब्रैकेट बाहर m रह गया, सेकंड टर्म में से भी ब्रैकेट बाहर माइनस 4 रह गया। और आप जानते हैं जब दो प्रोडक्ट्स, दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट जीरो, दो क्या, दो लाख ब्रैकेट्स का भी प्रोडक्ट जीरो हो, तो आप उनमें से हर एक ब्रैकेट को इंडिविजुअली जीरो के इक्वल करते हैं। और इस पर हम बहुत तफसील से बात कर चुके हैं कि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि जीरो के अलावा किसी और नंबर में आपको ये इजाजत हासिल नहीं है। पिछले लेक्चर्स आप उसके लिंक्स वगैरह निकाल के देख सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिएगा यहां 16 माइनस में उधर जाके किसमें आ जाएगा, प्लस में, तो एम की एक वैल्यू 16 आ गई है और एम की दूसरी वैल्यू 4 आ चुकी है। We put values of n in equation A. Equation 1. अब दो values हैं तो बारी बारी दोनों को put करेंगे। सबसे पहले when m is equals to 16. जब m 16 के equal है तो देखते हैं equation 1 की क्या शक्ल बनी। Equation 1 becomes 2 की power x is equals to m. m की जगह क्या आ जाएगा? 16. फिर वही बात, अगर x की value लाना चाहते हैं तो 16 को भी उसी बेस में लिखें जो इधर x की बेस है। इधर x की बेस क्या है? 2 है, तो इधर 16 को भी 2 की बेस में लिखना पड़ेगा। तो 2 की क्या पावर 16 होती है? 2 की पावर 4। कभी भी कंफ्यूजन हो फौरन 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, कितने 2 आ रहे हैं? 4 2, 4 2 का प्रोडक्ट 16 होता है, यानी कि 2 की पावर 4। बेसिस इक्वल हो चुकी हैं, तो अंडरस्टूड है पावर्स भी इक्वल हो चुकी हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 4। कभी कभी हो सकता है कोई ऐसा सवाल आ जाए, वैसे 9 में नहीं होगा ऐसा, कि ना यहां 16 नंबर ना आ रहा हो, 15 आ रहा हो, 14 आ रहा हो, उसको तो नहीं लिख सकते आप 2 की पावर में, तो वहां फिर आपको दूसरे मेथड्स पे ही जाना पड़ेगा। तो मैं वैसे आपको बता देता हूं साइंटिफिक कैलकुलेटर भी किस किस के पास है, है किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर? आपके पास है? हाँ ठीक है, ठीक है, निकालो उसमें कैलकुलेटर निकालो। देखें अगला मेथड, अगर आप बेसिस को इक्वल नहीं कर पा रहे या बेसिस को इक्वल करने का दिल नहीं चाह रहा, तो एक और मेथड यह है कि आप यहां पर दोनों तरफ पहले लॉग अप्लाई कर दें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, आपने सिंपल क्या किया, 2 की पावर एक्स के साथ भी लॉग लिख दिया और 16 के साथ भी लॉग लिख दिया। अब आपको पता है लॉग पावर को अपने साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ले लेता है, इसकी वजह यह है कि लॉग बजाते खुद पावर का नाम है, वो लॉगरिथम के चैप्टर में मजीद तफसील से आप पढ़ेंगे। लॉग बजाते खुद पावर को कहते हैं और एक पावर दूसरी पावर से क्या हो रही होती है? मल्टीप्लाई। तो यही वजह है कि हम एक्स को लॉग 2 के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिख सकते हैं और इक्वल टू आगे लॉग 16 एज इट इज। अब लॉग 2 इधर एक्स के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, लॉग 2 वहां पर जाकर क्या करेगा? डिवाइड। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? लॉग 16 डिवाइडेड बाय लॉग 2। बस अब कैलकुलेटर पर लॉग 16 को लॉग 2 से डिवाइड करें, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल, तो आपने देखा कि यहां पर जो वैल्यू है वो 4 आ गई। तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जब अगर बेस सेम ना आ पा रही हो, ये वो मास्टर तरीका है जिससे आप किसी भी तरह के सवाल को काबू में कर सकते हैं और वेरिएबल की वैल्यू लेकर आ सकते हैं, जो मर्जी नंबर हो। अभी तो आपको सजा के सवाल दे रहे हैं ना,
सजा के सवाल दे रहे हैं, मतलब ऐसी नंबर आ रहे हैं जिनमें बेसिस को सेम करना आसान है, लेकिन अगर कभी ऐसे नंबर आ जाए जिसमें बेस सेम ही ना हो सकती हो, जो मैंने आपको बता दी 9 में ऐसा ऐसा होगा नहीं, इसलिए अगर ना आ रहे हो तो अपना काम चेक कीजिए, कहीं मिस्टेक हो जाएगी, कहीं मिस्टेक हो गई होगी, इधर आ जाएगा, मगर ना आए तो ये तरीका मौजूद है मैथ्स में। अच्छा, अब एक वैल्यू लाना बाकी है, वो वैल्यू क्या है? व्हेन एम इज इक्वल्स टू 4, तो x की एक और वैल्यू आएगी m की वैल्यू 4 की मदद से। तो इक्वेशन 1 बिकम्स 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू, इस बार आ गया 4, x की वैल्यू लाने के लिए जो x की बेस है उसी बेस में 4 को भी लिखना पड़ेगा, तो 4 को 2 की बेस में कैसे लिखें? जबरदस्त, 2 का स्क्वायर, फिर बेस इज इक्वल है, मतलब पावर्स इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या हो गई है? 2 हो गई। यू सॉल्यूशन सेट में दोनों आंसर लिख दिए जाएंगे, एक 2 और दूसरा 4, और जवाब चेक करने के लिए आप इनमें से कोई भी एक नंबर उठाएं, कोई भी एक नंबर जो आसान लगे उठा के आप पुट करके देख लें, इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, पूरा लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, तो मुझे बताइए समझ में आ गया अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम इसमें?